रिश्ते निभाने और रिश्ते चलाने के लिए एक बड़ी अजीब सी परंपरा चल रही है आजकल। मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे और तमाम तरह के डे बना दिए गए हैं, अर्थात लोगों के पास समय नहीं है। समय निकाल करके लोग माँ के पास जाएं तो मदर्स डे, पिता के पास जाएं तो फादर्स डे। विदेशों की यह चलन थी, वो हमारे यहाँ भी आ गई है। लेकिन आपको पता है कि एक डे कभी किसी ने नहीं बनाया पूरे विश्व में। सारे रिश्तों का हो गया गुलाब डे, पता नहीं क्या क्या डे, लेकिन एक ऐसा डे है जो दामाद डे, दामादों के लिए। कहीं किसी ने, हो सकता है दामाद की चलन न रही हो, और दामादों के ऊपर तो अगर बात करें तो हमारे यहाँ एक कवि ने यह लिख दिया था कि बड़ा भयंकर जीव है इस जग में दामाद, सास ससुर को चूस कर कर देता बर्बाद। मतलब दामाद को इतना खराब बताया गया है। भारतीय पुराणों की अगर हम बात करें तो पौराणिक परंपरा में भी एक ऐसे दामाद भी हुए हैं जिनके गणों ने, मतलब जिनके सेवकों ने उनके ससुर का सिर काट करके और यज्ञ कुंड में डाल दिया। अर्थात दामाद को हिंदी परंपरा में या हिंदी भाषी क्षेत्रों की परंपरा में दामाद को उतना ठीक नहीं माना गया है। पर जैसे जैसे हम मिथिला समाज की ओर बढ़ते हैं और पश्चिम बंगाल की ओर आते हैं तो यहाँ एक बहुत अच्छी परंपरा है जिसे नाम दिया गया है जमाई षष्ठी। षष्ठी मतलब खष्टी का दिन, छठवां दिन, और इस दिन जमाई अर्थात दामाद को घर बुलाया जाता है। आमंत्रित करने के बाद उनकी सेवा शुश्रूषा और उनका सत्कार किया जाता है। मिथिलांचल में भी दामाद की सेवा की परंपरा रही है। वहाँ भी परंपरा है कि विवाह के बाद बाकी सब लोग चले जाते हैं, दामाद को लोग वहाँ मेहमान कहते हैं, और मेहमान ससुराल में रुक जाते हैं और पूरी उनकी सेवा टहल की अगर हम बात करें तो ये देखिए बांग्ला कैलेंडर है और ज्येष्ठ मास चल रहा है और आज की तारीख है 25 तारीख। 25 तारीख के नीचे अगर आप बांग्ला पढ़ पाएँ तो यहाँ देखिए जमाई षष्ठी लिखा हुआ है, अर्थात छठे दिन यहाँ दामाद का सत्कार किया जाता है। हालांकि मैंने कई लोगों से पूछा कि जमाई षष्ठी मनाने की परंपरा क्यों है तो कम ही लोग बता पाए। यहाँ पंजिका भी है, जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या फिर आप सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं या महिलाएं तीज करती हैं, उसी तरह से यहाँ भी पंजिकाएं बनी हुई हैं और जिसके आधार पर लोग दामाद की कहानी कहते हैं। फिर जब दामाद आता है तो उनकी आरती उतारी जाती है, उनकी सेवा टहल की जाती है और इसमें दोनों तरफ से गिफ्ट का आदान प्रदान होता है। बहुत अच्छी परंपरा है ना। अगर आप यहाँ इस प्रदेश के किसी भाषा भाषी को देखें, मतलब बांग्ला भाषी समाज में जाएं, तो वहाँ देखिएगा कि बड़े उत्साह के साथ, बड़े चाव के साथ यह पर्व मनाया जाता है। और अगर आप यहाँ हैं तो आकर के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे बहुत सारी रिवाज हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं रिश्ते निभाने के जो हमारे भारत में है। अगर आप रिश्ते निभाने के उन परंपराओं का अनुपालन करें या उन परंपराओं को देखें तो आपको लगेगा कि सचमुच हम भारतीयों ने लोगों को बहुत दिया और वहाँ से लोग कॉपी करके मदर्स डे, फादर्स डे, लवर्स डे और कुटाई डे हर चीज़ मनाते हैं। चलिए अगली चर्चा में हम फिर कुछ नई चीज़ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।